हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइज एड्रेस वगैरह तो हम आपको पहले बताते ही हैं, लेकिन आज हम आपको एड्रेस बताने से पहले ये जगह दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह है ना बहुत ही शानदार सा जगह है, नेचर के गोद में। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखना आपको। ये देख लो हमारे पीछे, आप सिर्फ नज़ारे चेक करो, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। और भाई साहब हमारे पीछे आपको एक ढाबा दिख रहा होगा, उसी ढाबे में आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं। और हमने सुना है कि उस ढाबे में बिल्कुल देसी तरीके से जो है खाना बनाकर दिया जाता है, ऑन ऑर्डर भी बनाया जाता है। तो अब जो है हम आपको एक बार एड्रेस समझा देते हैं। जिस जगह पे खड़े हैं ना, इस जगह को बोला जाता है गाइस रतन ताड़। पीछे जो आप रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता आपका पिठोरिया होते हुए जा रहा है रांची को। यहाँ से पिठोरिया की दूरी 6 किलोमीटर है, रांची की दूरी यहाँ से 25 किलोमीटर की है। और इस साइड पर अपने कैमरा टर्न करेंगे तो यहाँ से पतरातू वैली की दूरी 20 से 22 किलोमीटर की है। तो गाइस यहाँ पर जो है पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और उसको और भी आसान करने के लिए आपको गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाना है। तो गाइस यहाँ पे आना कैसे वो हमने आपको बता दिया, अब हम आपको एक बार अंदर लेकर चलते हैं। तो ये चेक कर लो, ये है वो ढाबा, त्रिपाल से ढका हुआ है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलने वाला है सिटिंग एरिया। तो यहाँ पे चौकी लगा है, उसके चारों तरफ कुर्सी, जहाँ पे आप बैठ के यहाँ के खाने को एंजॉय कर सकते हो। भाई साहब पंखे की व्यवस्था है, तो गर्मी का कोई टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बाहर से जब आप इसके अंदर आओगे ना, तो यहाँ लगता है 2-4 डिग्री टेम्परेचर कम है, मतलब ठंडक सा आपको महसूस हो, मतलब जिसको बोलते हैं ना शीतल, वही वाला चीज़ है। कारण क्या है, चारों तरफ जो है दीवार ईंट का तो है, लेकिन भाई साहब मिट्टी के लेप पे खड़ा है, और नीचे पूरा एकदम मिट्टी है, कोई टाइल्स कोई फर्श नहीं है। गोबर से डेली साफ किया जाता है, नीपा जाता है, जिसके कारण जगह भी एकदम शुद्ध सा है। अब जो हम आपको एक बार किचन दिखाते हैं, तो ये देख लो यहाँ पे ओपन किचन है, सामने में सब कुछ पकाया जाता है। तरीका इनका बनाने का बिल्कुल देसी सा है, कोयले के आँच पे सारा खाना वगैरह बनता है। और यहाँ पे व्यवस्था लकड़ी की भी है, अगर आपको चाहिए लकड़ी वाला स्वाद तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा और लोढ़ा है, तो यहाँ पे जो है आपको फुल टू देसी, मतलब 100% देसी स्वाद मिलना है। और देखिए यहाँ पे ऑन ऑर्डर हर कुछ बनाया जाता है, रोटी चावल सब कुछ। तो यहाँ पे आज हम आपको दिखाने वाले हैं चिकन की रेसिपी, कि यहाँ पे जो है देसी तरीके से चिकन बनाया कैसे जाता है। तो गाइस अब जो है अपना चिकन बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और आज का जो चिकन बनने वाला है बिल्कुल देसी तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे जो है प्याज वगैरह भी काट कर रख लिया गया है, मसाला जो है सिलबट्टे में पीसा हुआ है, और यहाँ पे चिकन को भी अच्छे से धोकर ला दिया गया है। कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो गया है कि हो गया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। और अब सबसे पहले डाला जा रहा है इसमें सरसों का तेल, और भाई साहब यहाँ पे धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि अभी चूल्हा ठीक से धरा नहीं है ना, नहीं तो ये धुआं देते नहीं रहेगा, नहीं हट जाएगा ना। हाँ। नहीं तो फिर पूरा चिकन धुआई ना हो जाएगा, नहीं। और सरसों तेल भी देख लो बढ़िया से क्वांटिटी में जो है डाल दिया गया है। और गाइस यहाँ पे जो है सरसों का तेल काफी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था, सबसे पहले गया छौंक। छौंक में क्या क्या डाले थे? जीरा डाले थे, गोलकी डाले थे, अच्छा तो मिर्चा डाले थे, अच्छा मिर्चा भी था, सूखा मिर्चा। हाँ, सूखा मिर्चा। और भाई साहब संग संग डाल दिया गया कटा हुआ प्याज, और उसमें था आपका हरा मिर्चा। तो गोलकी गोटा था कि कुछ कर डाले थे? कुछ के डाले, कुछ के डाले थे भाई, तब जो है जाके बढ़िया सा उसका फ्लेवर आएगा। और कितना देर अभी इसको ऐसे भूनेंगे प्याज को? अभी पाँच मिनट जैसा, मतलब हल्का लाल हो जाने के बाद, उसके बाद ही चिकन जाएगा। हाँ। ओके। और गाइस यहाँ पे जो है लगभग 10 मिनट हुआ है, और भाई साहब प्याज वगैरह देख लो बढ़िया तरीके से भून चुका है, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालने वाला है क्या डालेंगे? चिकन, चिकन डालेंगे, डाल दीजिए। और ये जो है सारा चिकन अब इसमें डालने वाला है। टोटल कितना टाइम लग जाता है मुर्गा बनाने में, शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब कढ़ाई चढ़ाए उसके बाद? आधा घंटा। आधा घंटा में रेडी कर देते हैं? नहीं, आधा घंटा, कौन घंटा, मेन टाइम जो है मसाला भूनने में लग जाता होगा। और अब जो है सारा चिकन इसमें डल चुका है, और डलने के बाद फटाफट जो है भाई साहब सब जो है रेड से वाइट वाइट सा हो जा रहा है, क्योंकि आँच जो है काफी तेज सा है, और हमने कहा था ना धुआं कम हो जाएगा, तो देख लो यहाँ पे धुआं बिल्कुल कम हो चुका है। और अभी जो है इसको क्या डाल रहा है? ओके, नमक। अब जो है संग संग इसमें डाल दिया गया नमक, कभी ऐसे ही भुनाएगा कि मसाला वसाला डालना है? अभी अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा दूध। अच्छा, पहले इसको भून लेंगे अच्छा से, 2-3 मिनट। और भाई साहब अभी लगभग 3 से 4 मिनट हुआ, और 3-4 मिनट के भीतर जो है ना रंगत आप चेक कर लो यहाँ पे चिकन का, क्या बढ़िया सा कलर जो है दिखना स्टार्ट हो गया है।
अब जो है इसमें पिसा मसाला डालेंगे। तो ये गया गाइज आपका पिसा हुआ मसाला जो कि सिलबट्टे में पिसा गया था। क्या क्या था उसमें? गोलकी था, मिर्चा था और जीरा। अच्छा, लहसुन था। अदरक नहीं डाले ना? नहीं डाले। ओके, अदरक भी डालते हैं। अच्छा डालते हैं। और गाइज पिसा हुआ मसाला डालने के बाद मैं सच्ची बताना, जो लहसुन वगैरह का फ्रेग्रेंस होता है, जो अरोमा होता है ना, वो काफी बढ़िया सा खुल कर एकदम बाहर आ रहा है। और कलर वगैरह आप देख लेंगे, छुलने में उठाई तो थोड़ा चिकन, छुलने में चिकन उठाइए ना, एकदम सामने से थोड़ा दिखाई, ये देख लिया पर रंगत चेक करो, बहुत बढ़िया सा दिख रहा है। अभी हल्दी उल्दी जाएगा तो और बढ़िया दिखने लगेगा, है ना? बहुत अच्छा। तो मसाला जो है सिलबट्टे पे ही पीसते हैं, मिक्सी का यूज नहीं करते हैं? नहीं करते। मतलब 8 साल से दुकान है, 8 साल से सिलबट्टा ही चला रहे हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। कारण इसके पीछे क्या है? मतलब टेस्टी लगता है खाने के लिए। टेस्टी लगता है, बात तो सही है भाई कि सिलबट्टे में पिसे मसालों का स्वाद बहुत ही जबरदस्त सा होता है। आदमी पसंद भी करता होगा कि सिलबट पर पिसल है तो गांव घर जैसा, है ना? एक बार खा लो तो दोबारा आने पड़ते हैं। अरे वाह भाई, एक बार गाइस खा लोगे तो दोबारा यहाँ पे आओगे। और मैं बता रहा हूँ कि जो मतलब मटेरियल बन रहा है अपना, देख कर समझ में आ रहा है कि हाँ चीज जो है बढ़िया बनने वाला है। ये क्या है मसाला? मिक्स। अच्छा मिक्स है, ये हल्दी नहीं था? नहीं, इसमें सब कुछ रहता है। हाँ। अच्छा ये जा रहा है हल्दी का पाउडर, और हल्दी पाउडर मिक्स मसाला दोनों पड़ने के बाद फिर जो है इसको भुना जा रहा है। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको बार बार कलर पे फोकस इसलिए करवा रहा हूँ ना, क्योंकि कलर ना बहुत बढ़िया सा दिख रहा है, ये देखो। और जब से जो है चिकन इसमें डला है ना, तब से लगातार जो है इसको भुना ही जा रहा है, हाथ नहीं रुक रहा, मतलब चलाते रहते हैं ना चिकन डलने के बाद। अब भाई गैस तो है नहीं कि कम कर दिया आज, नहीं चलाएगा तो सटने लगेगा। ओके, और अब हल्का सा पानी, हल्का हल्का पानी देके भूनते हैं। अच्छा मतलब बीच बीच में थोड़ा पानी डालते हैं फिर भूनते हैं? ये पूरा खत्म हो जाए पानी। अच्छा, सब जाएगा पानी डालते हैं हल्का सा पीने। तो ये जो तरीका है ना बड़ा शानदार सा है भाई साहब, मतलब थोड़ा सा पानी गया, मसाला भुना, फिर सूख जाता है, फिर पानी जाता है, उससे क्या कि मसाला का टेस्ट बढ़िया निकल जाता है ना। और यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट फिर हो चुका है हल्दी पाउडर और मिक्स मसाला डलने के बाद, और रंगत बहुत बढ़िया था। अब जाकर जो है ना एकदम परफेक्ट वाला वो आ चुका है, तेल वगैरह बुलबुला मार रहा है, मतलब भाई साहब मसाला अच्छे से पक चुका है। अब क्या डालने वाला है? गरम मसाला। अच्छा गरम मसाला, ये गरम मसाला और एमडीएस डालेंगे। अच्छा एमडीएस डालेंगे, तो ये गरम मसाला को भी सिलबट्टा पे पीस के ही डालते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। और गाइस यहाँ पे मैं सच्ची बताऊँ, ये जो मसाला यहाँ पे जब से आया है ना, इसमें से खुशबू बहुत बढ़िया था दालचीनी और इलायची का आ रहा है। डाल दीजिए। और ये गया आपका पिसा हुआ गरम मसाला, मतलब आज जो है ना बोलते रहे जिसको कि बिल्कुल प्योर देसी, बिल्कुल गांव घर के तरीके से, बिल्कुल वैसा ही तरीके से आज यहाँ पे चिकन बन रहा है। और अब जो है ये फाइनल मसाला, तो और कुछ डालेगा इसके बाद? ना यार, ये लास्ट मसाला है ना। हाँ धनिया पत्ता रहता है। अच्छा धनिया पत्ता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, धनिया पत्ता नहीं है, पर मीट मसाला जो है ना अब डल चुका है, फाइनल मसाला डल गया है, चिकन बन गया, रेडी हो गया। अभी 5 मिनट और, तो भाई यहाँ पे जो है ना समझो ऑलमोस्ट चिकन डन हो ही चुका है। एक बार थोड़ा फिर से छोलने पर दिखाई ना उठा के, मसाला वगैरह डलने के बाद रंगत इसका थोड़ा सा देखते हैं, ये देख लो आप कलर देख लो आप, सबसे पहले तो ये चेक करो, बहुत बढ़िया चिकन काटा, बहुत अच्छा से ना लग रहा पनीर का टुकड़ा, चौकुट चौकुट पनीर का टुकड़ा, हाँ छोटा छोटा हमने करवाया है इसको। और इसी के साथ जो है हमारा चिकन बनकर हो चुका है रेडी, और यहाँ पे रोटी वगैरह भी बना कर देते हैं। हाँ, रोटी वगैरह भी बना देते हैं। तो गाइस अब जो है ना थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में, इनके बारे में जान, रोटी चावल। ओके, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। होटल का नाम क्या है? रोशनी ढाबा है। अच्छा, और कितना पुराना ये होटल है? 8 साल हुआ। 8 साल हो गया, बहुत बढ़िया। क्या टाइमिंग है, कितने बजे से जो है खाना मिलना चालू हो जाता है आपके पास? 8 बजे से। सुबह 8 बजे चालू कर देते हैं? बनाना कितने बजे चालू करते हैं फिर? 7 बजे से। वाह, सुबह 7 बजे से चालू हो जाता है, कितने बजे तक खुला रखते हैं फिर? रात को 10 बजे तक। रात 10 बजे तक खुला रहता है। सप्ताह में कोई बंदी भी है आपके यहाँ? नहीं, सातों दिन खुला है। हाँ, त्योहार में खाली बंद रहे। हाँ, पर्व त्योहार या कोई काम हुआ? हाँ, था शादी उदी है। अच्छा बहुत अच्छा। और रेट वगैरह बताइए, कोई अगर मुर्गा लेके आता है आपके पास तो क्या भाव लेते हैं किलो बनाने का? 150। 150। और मीट का? वो भी लेते हैं, मछली का भी उतना लेते हैं। अच्छा, फ्राई कर, मतलब सबका एक ही रेट है, समझे नहीं? 150 रुपए हर एक माल, मुर्गा लाइए, मछली लाइए, खसी लाइए। बहुत अच्छा। और ये क्या बोलते हैं, आधा किलो कोई लाए तो? इसका 75 रुपया। अच्छा, मतलब उसका आधा है ना। बहुत अच्छा। तो गाइस यहाँ पे ऑन ऑर्डर जो है आपको हर कुछ बना कर दे दिया जाएगा। और बना के क्या क्या रखते हैं? मुर्गा रखते हैं, चावल। चावल कैसे खिलाते हैं?
60 रुपए में चावल और मुर्गा कैसे रहता है? दो पीस मुर्गा और चावल यहाँ पे 60 रुपए में बना बनाया मिल जाएगा। सादा भी देते हैं 30 रुपए, सादा खाना 30 रुपए में। दाल व सब्जी, भुंजिया वगैरह, बहुत अच्छा। एक चीज और बताइएगा, आपके यहाँ ऑनलाइन सुविधा है पेमेंट का? अच्छा, तो ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पे ले लिया जाता है, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाला नहीं है। और यहाँ का कोई फोन नंबर है होटल का? बताइए नंबर, फोन करके आएगा किसी को अगर आना होगा तो? 62। अच्छा, 62044-22। हाँ, 22344। ठीक है, तो यही नंबर हुआ ना? हाँ, तो ये है इस होटल का नंबर, अगर आपको आना है ऑर्डर पे कुछ बनवाना है तो बात करके आओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? बहुत अच्छा। चिकन वगैरह आपको लेकर आना होगा, तो ये अब तो रेडी हो गया? हाँ, ये हो चुका है रेडी। करना क्या है, फटाफट इसको जो है लगवाएंगे थाली पे, करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो देसी तरीके से चिकन बनाकर दिया गया भाई साहब, उसका स्वाद कैसा लग रहा है। तो गाइस फाइनली अभी हमारे हाथ में जो है एकदम ड्राई ड्राई सा चिकन और उसके साथ गर्मा गर्म तवे पे बना हुआ रोटी आ चुका है। एक बार जो हम आपको इसका सामने से रंगत वगैरह और नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद जो है इसका स्वाद देकर आपको बताएंगे। तो गाइस सबसे पहले आप ये थाली चेक कर लो, रोटी एकदम भाई साहब क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट वाला बना हुआ, और उसके साथ यहाँ पे तगड़ा वाला चिकन। चिकन का रंगत आप देख रहे हो, एक नंबर सा रंगत दिख रहा है, कहीं पे कोई कंजूसी नहीं, हर कुछ डाला गया पूरा सूखा सूखा सा, और यहाँ पे लहसुन का पूरा एक छोटा छोटा सा। तो ये भी जो है ना देखो, ये भी बढ़िया तरीके से पक चुका है। मसाला वगैरह थोड़ा बहुत जो है आपको इस साइड पे जो प्याज वगैरह डाला था ना वही दिखना है। ये देखो सूखा मिर्चा डाला, वो चिकन एक बार आपको दिखाते हैं कैसा पका हुआ। एक्चुअल में सच्ची बताऊँ ना तो जब मैं इधर दिखा रहा हूँ और मेरे मुँह में पानी भर भर के आ रहा है। ये देखो चिकन देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया से पका हुआ है परफेक्ट तरीके से, और जब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं ना, तो जो खुशबू मसालों का निकल के आ रहा है भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल का है, एक नंबर। तो गाइस हमने जो है आपको इसका नज़ारा दे दिया, दिखा दिया कि किस हिसाब से जो है मटेरियल अपने को बना कर मिला है। अब फटाफट खाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो है ना चिकन को ही ट्राई करेंगे। तो जिस चिकन को हमने तोड़ा था उसी को, तो पहला चिकन का टुकड़ा, ओहो मतलब क्या ही स्वाद है। सबसे पहले तो चिकन को भूना इतने अच्छे तरीके से गया है ना, उसके कारण चिकन का एक अलग सा ही टेस्ट हो गया है, लग ही नहीं रहा कि अपने पोल्ट्री खा रहे हैं। और जो चिकन हमने खाया ना वो एकदम मीट वाला पीस था, और उसके अंदर तक मसालों का टेस्ट गया हुआ था, बहुत बढ़िया सा मसाला देखते हैं खाकर। मसाले के साथ चिकन भी उठाते हैं ना, छोटा सा टुकड़ा मीट का और मसालों का, मतलब भाई ये सब जो जगह है ना यही है हिडन जेम। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो स्वाद है ना आपको, ये कहीं भी आप घूम लो, कितने बड़े बड़े जगहों पे चले जाओ, ये स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। मतलब जिसको बोला जाता है ना परफेक्शन खानों में, वो है। मतलब जो टेस्ट है ना, जितना भी नखड़े वाला आदमी हो वो इसमें कोई नखड़ा नहीं निकाल सकता किसी भी चीज़ को लेके। बहुत फ्लेवरफुल चिकन है। रोटी के साथ अपन ट्राई करते हैं। तो ये मसाला हमने उठाया, चिकन का टुकड़ा और रोटी के साथ पहला निवाला, मसालों का जो टेस्ट है ना भाई, मतलब हमको लगता है कि अनबीटेबल है। मतलब जितने जगह हमने आज तक खाया है, यहाँ के चिकन पे जो टेस्ट है ना, हमको नहीं लगता कहीं और पे मिला है। इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का है। हर एक मसाला, मतलब जैसे बोलते हैं ना फुट के आता है स्वाद, वैसा स्वाद इसमें आया है। प्लस जो गर्म मसाला पिसकर डाला था ना इसमें, वाह मतलब भाई साहब क्या टेस्ट उसका निकल के आया, एकदम हिसाब से डाला हुआ, बढ़िया से पीसा हुआ। मतलब भाई दिल खुश हो गया, मतलब आपने, मतलब इतना एक्साइटेड हूं ना मैं बता नहीं सकता आपको।
मैं सच्ची बताऊँ आपको, जब बन रहा था ना चिकन तो मेरे को अंदाजा लग रहा था कि आज तो भाई कुछ बवाल सा होने वाला है। भाई यार दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, जिसको बोलते हैं ना दिल खुश हो गया एकदम खा के। जो ग्रेवी अपने उठा रहे हैं ना, मतलब पूरा एकदम क्रीमी टेक्सचर है, तेल वगैरह एकदम बढ़िया से डाला गया। नॉनवेज में क्या ना, अगर तेल वगैरह में कंजूसी करोगे ना आप तो स्वाद नहीं आना है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो तेल अच्छे से डाला गया उसके कारण ना मतलब रोगन आ रहा है मुंह में अपने। जब रोटी को डुबा रहे हैं ना मसालों के साथ तो कोने पे, यहाँ पे देखो आप साइड में इस जगह पे रोगन, और उसमें पूरा मसाला का सारा का टेस्ट है। जीरा गुलकी डाला गया, उन सब का एक सोना सोना सा फ्लेवर है। गुलकी फोरन के टाइम पे कूच कर डाला गया, ठीक है, तो उसका हल्का सा तीखापन प्लस जब पीसा गया ना तो उसमें भी थोड़ा सा गुलकी था, तो तीखा जो भी इसमें समझ में आ रहा है गुलकी का ही तीखा समझ में आ रहा है। हरा मिर्च का कोई तीखा समझ में नहीं आ रहा, छौंक में जो दो तीन मिर्चा पड़ा तो उसका भी कोई तीखा नहीं समझ में आ रहा। लास्ट में इसमें मीट का मसाला भी डला, लेकिन गर्म मसाले के फ्लेवर के आगे सबका फ्लेवर दब गया। मतलब सबसे तगड़ा वाला स्ट्रांग वाला टेस्ट है ना वो गरम मसालों का है। लोग क्या करते हैं ना, छौंक में डाल देते हैं, बहुत बड़ी ऐसे ही डाल दिया बिना पीछे हुए, या फिर पैकेट वाला गरम मसाला यूज कर लिया। लेकिन ये जो है ना पीस के डाला गया, ये अगर करेंगे ना स्वाद ऑटोमेटिक जो है ना तगड़ा वाला आना है। और रोटी के साथ तो खाने में भाई साहब अलग ही लेवल का लग रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ का चिकन आपने खा लिया ना तो बाकी जगहों पे चिकन खाना भूल जाओगे आप, इतना बढ़िया यहाँ पर बनाकर दिया गया। मसाला भूनते टाइम पता है बहुत बार क्या होता है कि एक बार मसाला भून लिया चिकन डाल दिया, उसके बाद फिर जो है एक बार भुना गया चिकन के साथ मसाला पानी डाल दिया। यहाँ पे क्या है ना, चार से पाँच बार थोड़ा थोड़ा पानी डाला गया मसाला और चिकन को एक साथ भुनने में, उसके कारण सारा मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा सा निकल गया है, बहुत बढ़िया सा भाई, मतलब माइंड ब्लोइंग चिकन है। उन्होंने कहा भी था कि एक बार अगर खा लीजिएगा तो दोबारा आइएगा, और सच्ची में जो अगर नॉनवेज लवर है ना एक बार अगर खा लिए यहाँ का चिकन बना हुआ तो वो पक्का दोबारा आना है। प्याज वगैरह भी अच्छे क्वांटिटी में डाला गया, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्याज था, क्वांटिटी प्याज का भर भर के था, उसके कारण क्या ना मसाला में जो थिकनेस होता है ना वो आया है। अब बाइट देख रहे हो यहाँ पे पूरा चिकन ही भरा हुआ है। तो गाइस अभी जो है ना ओवरऑल फीडबैक अपना इस जगह को लेके, यहाँ पे बने खाने को लेके यही है, जगह बिल्कुल देसी सा है, बिल्कुल गांव घर वाला सेटअप, खाना जो है ना 5 स्टार के लेवल का टेस्ट मिलने वाला है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेस्टी, रेट एकदम जेन्युइन सा। और ये ऐसा जगह है ना कि मतलब पतरातु तो लोग जाते ही रहते हैं बराबर, तो कभी भी अगर आपको टाइम लगे तो एक बार यहाँ पे आके जरूर यहाँ का चिकन मटन कुछ भी आप बनवा कर खाना, यहाँ पे पहले से भी खाना बना रहता है, दिल खुश हो जाएगा। तो फिलहाल करना क्या, थोड़ा बहुत इसमें चिकन बचा है, रोटी है, इस चीज़ को करेंगे खत्म, वीडियो को हम करेंगे एंड। और आपसे बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लग जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 19 तारीख को जो है अपना बर्थडे है और बहुत सारे लोगों ने सही भी गेस करा था, तो जिन्होंने वोट किया था ना उन सबको थैंक यू सो मच। और अगर 19 तारीख के पहले 50K करवा देते हैं तो भाई साहब मेरे लिए वो एक गिफ्ट के तौर पे हो जाएगा। तो मिलते हैं कल कुछ कहीं और कुछ नया सा ऐसे ही जगह पे इसी तरह का स्वादिष्ट सा खाना लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।